तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रायंफ ऑफ सर्जरी, जिसे लिखा है जेम्स हैरियट ने। सो जेम्स हैरियट जो कि इस चैप्टर के ऑथर होते हैं, वो एक वेटरनरी सर्जन थे, मतलब कि जानवरों के डॉक्टर थे, एंड उसके साथ साथ एक राइटर भी थे। सो जेम्स हैरियट के साथ एक इंसिडेंट होता है, वही इंसिडेंट को वो हमें स्टोरी के रूप में बताते हैं। सो सबसे पहले तो हम लोग इस स्टोरी का एक छोटा सा ओवरव्यू जान लेते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं छोटे से समरी के साथ। तो हमारी स्टोरी के तीन मेन कैरेक्टर है, मिस्टर हैरियट, मिसेस पम्फ्री एंड ट्रिकी। ट्रिकी जो है वो एक डॉग होता है एंड मिसेस पम्फ्री का पेट होता है। तो मिसेस पम्फ्री जो होती है वो अपने पेट यानी कि ट्रिकी को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, एंड उसे उस प्यार के चलते हमेशा ओवरफीड कर दिया करती थी। सो एक दिन उस ओवरफीडिंग के चलते ट्रिकी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है, एंड फिर वो लोग एक वेटरनरी सर्जन यानी कि जानवरों के डॉक्टर मिस्टर हैरियट को बुलाते हैं। तो हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में कि क्या मिस्टर हैरियट ट्रिकी को ठीक कर पाते हैं कि नहीं, और ठीक भी करते हैं तो वो क्या स्टेप्स लेते हैं जिसके कारण वो ठीक होता है। ठीक है, सो अब चलो इस चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोग शुरू करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग मिस्टर हैरियट से होती है, जहां मिस्टर हैरियट बोलते हैं कि इस बार मैं ट्रिकी को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता में था। जैसे ही मैंने ट्रिकी को देखा वैसे ही मैंने अपनी कार को रोक दिया। मैं ट्रिकी के अपीयरेंस को देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया, वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था। अब मिसेस पम्फ्री मिस्टर हैरियट को बोलती है कि मिस्टर हैरियट, ट्रिकी बहुत ज़्यादा लिस्टलेस हो गया था और ऐसा लग रहा था जैसे उसमें एनर्जी है ही नहीं, इसलिए मैंने उसे एक्स्ट्रा मील देना शुरू कर दिया। अब मिस्टर हैरियट पूछते हैं कि क्या तुमने उसे मीठी चीजें देना बंद कर दिया जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था। मिसेस पम्फ्री इसका रिप्लाई देते हुए कहती है कि हाँ, मैंने कुछ दिन तक तो बंद कर दिया था, लेकिन वो इतना कमजोर लग रहा था इसलिए मैंने उसे चॉकलेट और क्रीम केक देना फिर से शुरू कर दिया, और क्रीम केक एंड चॉकलेट उसकी फेवरेट है इसलिए मैं उसे मना नहीं कर पाई। मिस्टर हैरियट ट्रिकी के तरफ देखते हैं और सोचते हैं कि ट्रिकी की बस एक ही गलती है, उसका लालच, वो फूड को कभी मना नहीं कर पाता था। अब मिस्टर हैरियट पूछते हैं कि क्या आप ट्रिकी को रेगुलर एक्सरसाइज करवा रही है। मिसेस पम्फ्री रिप्लाई करती है हाँ, वो मेरे साथ थोड़ी वॉक करता है और मेरा गार्डनर हॉटकिन की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो कुछ दिन से रिंग थ्रोइंग प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा है। अब मिस्टर हैरियट थोड़े सीवियर टोन में बोलते हैं, अगर आपने ट्रिकी के डाइट में कंट्रोल नहीं किया और उसे एक्सरसाइज नहीं करवाया तो उसकी तबीयत जल्दी ही बहुत खराब हो जाएगी। मिसेस पम्फ्री इसका रिप्लाई करती है ओ मिस्टर हैरियट, मैं आपकी बात जरूर मानूंगी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। ये बोलकर अपने सिर को नीचे झुकाकर मिसेस पम्फ्री वहां से चली जाती है। मिस्टर हैरियट को पता था कि मिसेस पम्फ्री ट्रिकी को लेकर जल्दी ही कॉल करेगी और वो एक्सपेक्टेड कॉल कुछ दिन में आ जाता है। मिसेस पम्फ्री बहुत उदास थी, वो बोलती है कि मिस्टर हैरियट, ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा है, इवन वो अपनी फेवरेट डिशेस को भी रिफ्यूज कर रहा है, वो दिन भर अपना टाइम केवल रग में लेटा बिता देता है। मिस्टर हैरियट ने अपना प्लान पहले से ही बना रखा था, ट्रिकी को ठीक करने का बस एक ही तरीका था, उसे उसके घर से कुछ दिनों के लिए दूर रखना। अब मिस्टर हैरियट मिसेस पम्फ्री को बोलते हैं कि ट्रिकी को ठीक करने के लिए उसे कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटलाइज करना होगा और उसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा। ये सुन के मिसेस पम्फ्री बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है, बट फिर भी मिस्टर हैरियट अपने बात पे टिके रहते हैं। ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार था और उसकी ज़िंदगी बचाने का केवल यही रास्ता था। अब बिना कोई डिले किए मिस्टर हैरियट ट्रिकी को एक ब्लैंकेट में रैप करके उसे उठाकर अपनी कार की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। मिसेस पम्फ्री रोते हुए मिस्टर हैरियट के पीछे जाती है।
मिसेस पम्फ्री के सारे स्टाफ स्ट्रिकी के सामान जुटाने में लग जाते हैं, जैसे उसकी टॉयज, कुशन, फेवरेट बाउल एक्सेट्रा। मिस्टर हैरियट को रियलाइज होता है कि उनकी कार में इतनी सारी चीजें फिट नहीं होंगी, इसलिए वो अपनी कार को ड्राइव करना शुरू कर देते हैं। मिसेस पम्फ्री के आंखों में आंसू होते हैं और टर्न होते हुए कॉर्नर में मिस्टर हैरियट अपनी कार के मिरर से देखते हैं कि मिसेस पम्फ्री के साथ उनके सारे स्टाफ्स रो रहे होते हैं। अब रोड पे निकलते ही मिस्टर हैरियट ट्रिकी के सर पे पैट करते हैं और ट्रिकी भी ब्रेवली अपनी पूंछ हिलाता है और फिर मिस्टर हैरियट कहते हैं कि मैं तुम्हारा इलाज जानता हूँ। जैसे ही मिस्टर हैरियट ट्रिकी को लेकर सर्जरी पे पहुंचते हैं, वहां के डॉग्स मिस्टर हैरियट के गोल गोल घूमने लगते हैं। मिस्टर हैरियट ट्रिकी को नीचे उतार देते हैं। अब सभी डॉग्स उसे सूंघने लगते हैं, यानी कि ट्रिकी को सूंघने लगते हैं, और लास्ट में उसे एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट समझकर इग्नोर कर देते हैं। मिस्टर हैरियट ट्रिकी के लिए बाकी डॉग्स की जगह बेड प्रिपेयर करते हैं। 2 दिनों तक मिस्टर हैरियट ट्रिकी के ऊपर नजर रखते हैं और उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं देते, लेकिन उसे बहुत सारा पानी पीने को देते। अब दूसरे दिन के एंड तक ट्रिकी अपने सराउंडिंग में इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर देता है और तीसरे दिन जब वो बाकी डॉग्स की आवाज सुनता है तो वो भी आवाज निकालना शुरू कर देता है। अब ट्रिकी जैसे ही बाहर आता है, उसे सारे डॉग्स घेर लेते हैं और अच्छे से इंस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद सारे डॉग्स गार्डन की तरफ दौड़ने लगते हैं। ट्रिकी धीरे धीरे उनके पीछे चला जाता है। मिस्टर हैरियट ट्रिकी के खाने के वक्त हमेशा प्रेजेंट रहते थे। जैसे ही खाने के लिए सारे डॉग्स को बुलाया जाता था, वो लोगों के बीच एक हेडलॉन्ग रश हुआ करता था, क्योंकि सारे डॉग्स को ये पता था कि जो खाने के पास जल्दी पहुंचेगा, उसे ज़्यादा खाना मिलेगा। ट्रिकी बाउल के पास सबसे लास्ट में पहुंचता था और बाउल को लिक करने लगता था, यानी कि बचे हुए खाने को फिर लिक करने लगता था। ये देख के मिस्टर हैरियट बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अब अगले दिन से ट्रिकी के लिए एक एक्स्ट्रा फूड बाउल रख दिया जाता था और अब ट्रिकी में एक रैपिड प्रोग्रेस शुरू हो गया था। ट्रिकी का कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं होता है। ट्रिकी बस दिन भर दौड़ता रहता था। ट्रिकी की अब सारी डॉग्स के साथ अच्छी दोस्ती हो गई थी। मिसेस पम्फ्री पूरे दिन में कई बार कॉल करके ये पूछते रहती थी कि ट्रिकी की रिकवरी कैसी चल रही है। जैसे ही मिस्टर हैरियट ट्रिकी की रिकवरी के बारे में बताते हैं मिसेस पम्फ्री को, ट्रिकी के लिए वो डजन्स ऑफ फ्रेश एग भेजना शुरू कर देती है ताकि ट्रिकी स्ट्रॉन्ग बन सके। एक्स को मिस्टर हैरियट ट्रिकी को नहीं दिया करते थे, बल्कि वो एक्स वो और उनके पार्टनर खुद कंज्यूम किया करते थे। अब कुछ दिन बाद मिसेस पम्फ्री वाइन की बोतल भेजना शुरू कर देती है और मेन सेरेमोनियल ओकेजन तो तब बनता है जब मिसेस पम्फ्री ब्रांडी की बोतल भेजना शुरू कर देती है। अब वो लोग सोचते हैं कि काश ट्रिकी हमारा परमानेंट गेस्ट बना रहे, लेकिन मिस्टर हैरियट जानते थे कि मिसेस पम्फ्री ट्रिकी के बिना बहुत उदास थी। वो हमेशा ट्रिकी को याद करते रहती थी। कुछ दिन बाद मिस्टर हैरियट मिसेस पम्फ्री को कॉल करके बता देते हैं कि ट्रिकी अब पूरे तरीके से ठीक हो चुका है। अब कुछ देर बाद एक लंबी ब्लैक कार सर्जरी के बाहर रुकती है। मिसेस पम्फ्री कार से उतरती है। मिसेस पम्फ्री के होंठ कांपते हुए मिस्टर हैरियट को पूछते हैं कि मुझे सच्ची बताओ, ट्रिकी ठीक तो है ना? मिस्टर हैरियट रिप्लाई करते हैं, हाँ वो ठीक है, आपको कार से बाहर आने की जरूरत नहीं है, मैं अंदर जाके उसे ले आता हूँ। अब मिस्टर हैरियट लॉन जाते हैं और ट्रिकी को ले आते हैं। ट्रिकी अब पूरा फिट हो चुका था। जैसे ही ट्रिकी मिसेस पम्फ्री को देखता है, वैसे ही वो एक जंप मार के मिस्टर हैरियट के गोद से मिसेस पम्फ्री के गोद में चला जाता है। अब कार आगे बढ़ने लगती है और मिसेस पम्फ्री के आंखों में आंसू होते हैं और वो कार आगे बढ़ते बढ़ते मिस्टर हैरियट को बोलती है कि मैं आपको कैसे थैंक्स बोलूं? ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। दिस इज ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये सर्जरी की जीत है।
तो इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आया होगा देन वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो देन सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, बगल में अभी दो वीडियो आ रहे हैं, अगर वो दोनों वीडियो में से कोई वीडियो नहीं देखा हो देन याद से देख लेना, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Close till I get up. Time is barely on our side.